बच्चों को निकालो, पहले बच्चों को निकालो, बच्चों को इसके आगे न्याय ये तो चल रहा है। पहले रुको, पहले बच्चों को निकालो। हेलो इस वक्त की वड्डी खबर उत्तराखंड तो आ रही है जिथे कि एक बस बेकाबू होके पुल दे हेठां लटक गई। जी हां, खबर नशर करन तो पहला जेकर तुसी साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां चैनल नूं सबसक्राइब कर लो अते बैल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि हर लेटेस्ट अपडेट तुहाडे तक जल्द तो जल्द पहुंच सके। वड्डी खबर उत्तराखंड तो आ रही है जिथे कि हर की पौड़ी दे उत्ते मुरादाबाद रोडवेज की बस ड्राइवर तो बेकाबू होके पुल दे हेठां लटक गई। गनीमत यह रही कि बस किसी वड्डे हादसे तो बच गई। दस दिए कि मुरादाबाद रोडवेज की बस अचनचेत ड्राइवर तो बेकाबू होकर बाहर हो गई। बेकाबू बस हाईवे के किनारे बनी सेफ्टी वाल तोड़द्या होया थले डिग गई। अजे तक हादसे दे विच लगभग दो दर्जन तो भी यात्री बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। बस के डिगन दे नाल पार्किंग दे विच खड़े कुछ कारा भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दसिया जा रहा है कि हादसे के समय बस में 35 लोग सवार सन। SPCT हरिद्वार स्वतंत्र कुमार ने जानकारी सांझी करदे दस्या कि बस मुरादाबाद तो देहरादून दे लई जा रही जो कि पुल दे नजदीक आके बेकाबू हो गई अते थले रुड़ गई। इसके बाद SPCT ने जानकारी दी कि घटना की सूचना मिलदिया ही तत्काल मौके ते फोर्स बुलाई गई। उत्थे नाल ही सिविल पुलिस अते फायर टीम भी मौके ते पहुंच गई क्योंकि बस थले पलट गई सी ता किसी प्रकार की कोई अप्रत्याशित घटना ना घटे इसलिए प्रीकॉशन के तौर पर फायर टीम भी मौके ते पहुंच गई सी। फोर्स अते होर लोकां दे सहयोग दे नाल सारे यात्रियों नूं बाहर कढ लिया गया अते जो जख्मी यात्री सन उन्हां नूं हॉस्पिटल भेजा गया अते उन्हां दा इलाज चल रहा है। उन्हां ने जानकारी दित्ती कि VIP घाट दे नज़दीक बने पुल ते एक घटना हुई है। इस घटना दे बाद थोड़ी देर बाद ही ट्रैफिक जाम हो गया लेकिन तत्काल सुचारू रूप दे नाल ट्रैफिक दा संचालन भी शुरू कर दिता गया। तस्वीरां विच साफ तौर ते तुसीं देख सकदे हो कि किस तरीके दे नाल यात्रियों नूं बड़ी मुशक्कत दे बाद बस उल्टी हुई है ते उन्हां नूं बारियां दे विचों यानी कि बस दी टाकियां दे विचों छोटे छोटे बच्चे तुसीं तस्वीरां ते देख रहे हो इन्हां नूं बाहर कढ़िया जा रहा है। गनीमत यह रही कि इस हादसे दे विच किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं होया लेकिन तस्वीरां नूं जिस तरीके दे नाल बाहर कढ़िया गया तस्वीरां वाकई खौफनाक हन। दस दी कि घटना उस समय हुई जदों बस मुड़ रही सी अते ड्राइवर तो बेकाबू हो गई। स्थानक लोग अते रेस्क्यू ऑपरेशन दे लई जो फोर्सेस लगाईआं गईआं ने उन्होंने सहयोग दे नाल लोगों नूं बारियां दे विचों बाहर कढ़िया जा रहा है। जिवें ही यह घटना वापरी तां नज़दीक आस पास दे लोग एकत्रित हो गए अते लोगों नूं सुरक्षित बाहर कढ़न दे लई मोढे नाल मोढा ला के प्रशासन दे जुट गए अते जिवें बस डिग्गी तां हर पासे चीख चंघाड़ा मच गया क्योंकि बस की स्पीड भी कोई ज़्यादा नहीं सी लेकिन मोड़न लग गया बस बेकाबू हो गई अते मुरादाबाद रोडवेज दी बस है बेकाबू होने तो बाद ये पुल हेठां थले आ डिगी। अगर बस की स्पीड होंगी तो घटना दे विच बहुत भारी नुकसान हो जाना सी अते कई जानां नूं नुकसान हो जाना सी क्योंकि 32 सवारियां बस दे विच मौजूद सी जो कि देहरादून वल जा रही सन। तस्वीरां वाकई ही खौफनाक हन। छोटे छोटे बच्चे मासूमां नूं टाकियां तो यानी कि बस दीआं खिड़कियां तो बाहर कढ़िया जा रहा है। गनीमत रही कि कोई जान माल का अजे नुकसान नहीं होया लेकिन जख्मियों का उपचार चल रहा है। इस घटना दे विच जो जख्मी हुए हैं सचखंड परिवार भी उन्हां दी सेहतयाबी दे लई जल्द परमात्मा तो ठीक होण दी दुआ करदा है। तत्काल वहां पे जो
ਸਿਵਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਫਾਇਰ ਕੀ ਟੀਮ ਹੈ ਮੌਕੇ ਪੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਨੀਚੇ ਅਲਟ ਗਈ ਸੀ ਤੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ਿਤ ਘਟਨਾ ਨਾ ਘਟੇ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿਕੋਸ਼ਨ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਫਾਇਰ ਕੀ ਵੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਵਹਾਂ ਪੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਸਭੀ ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਹੈ ਸਕੁਸ਼ਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਨਕੋ ਹਲਕੀ ਫਲਕੀ ਚੋਟੇ ਆਈ ਸੀ ਉਨਕੋ ਅਨਯ ਲੋਕੋ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਨਕੋ ਹਾਸਪਿਟਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਏ ਜਹਾਂ ਪੇ ਉਨਕਾ ਫਸਟ ਏਡ ਚਲ ਰਿਹਾ।